कहस्तरन हृदय बसाव को परम गुरु नानक गुण गावो। पांडा भाव अमृत तटाल करिए शब्द सटी टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सच फुरमान निशान सच सच्चा हुक्म न मूल फिरंदा सच शब्द टकसाल सच गुर ते गुर होए शब्द मिलंदा सज्जन सच्चा पाथ साह सिर साहां दे साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावा अव्वल औल दीन कर मिठा मसकल माना मान मुसावा मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावा। परम सम्मान गुरु रूप गुरु खालसा सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संतां बहुत बहुत वड्डिया भागां वाले हो जिन्हां नूं चौथे तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु की कांशी साबो की तलवंडी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे हजूर के पावन पवित्र दर्शन करन दा और तख्त साहब जी की पावन यात्रा करन दा अते सतसंगत दे विच बैठ के अपने मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। इस पावन पवित्र तख्त साहब जी दे अस्थान उत्ते धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त चरण पाए सन जदों हजूर सिरसे नगर दे अंदर फकीरां दा मान मेट के हंकार मेट के सुल्तानपुर साहिब नूं जाण लगे उदों रस्ते विच इसे अस्थान ते सतगुरु जी ने धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने पावन चरण पाए हन। उस तो उपरंत नौवें पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने भी
इस पावन पवित्र स्थान ते चरण पाए और धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उदो चरण पाए जदों श्री आनंदपुर साहिब जी नूं सतगुरु जी ने 1704 ईस्वी विच और 1762 बिक्रमी संमत विच 6 और 7 पोह दी रात नूं आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया सरसा नदी पार करके चमकौर साहिब विखे धर्म दा युद्ध करदिआं वड्डे साहिबजादे 3 प्यारे अते 40 सिंघां दी शहादत तों बाद हजूर माछूवाड़े दे जंगलां दे विच कुछ समां मुकाम करके मालवे दी धरती नूं तारदे होए मुक्तसर साहिब तों बाद सच्चे पातशाह जी ने इस स्थान ते आउणा कीता। अज साध संगत जी धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दी महान स्थापित कीती हुई महान जथेबंदी दमदमी टकसाल दा 315वां स्थापना दिहाड़ा आपां अज दे दिहाड़े बड़ी श्रद्धा ते भावना उत्साह दे नाल मना रहे हां। सतारा सौ दो ईस्वी सन और 1761 बिक्रमी संमत विच जदों श्री आनंदपुर साहिब विखे होले महल्ले दा जोड़ मेला आया तां होले महल्ले वाले दिन एक सिंह दखणी ओंकार बाणी दा पाठ कर रहा है। पाठ करदिआं इह पंगतियां आईआं करते कीमत करता जाणै कै जाणै गुरसूरा जिस दा अर्थ है कि करते वाहिगुरु दी मित मर्यादा नूं सूरज दी न्याई सतगुरु साहिबान उस दी मर्यादा नूं आप जाणदे जां करता जाणदा है। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਮੇਟ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵੀ ਅਣਸੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਦਲਗੀਰ ਹੈ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਦਲਗੀਰ ਤੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਕੁਮਲਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ
कि तुहाडी गुरबाणी इस लई पढ़ी दी है, नितनेम इस लई करीदा है, गुरबाणी दा जाप अभ्यास इस वास्ते करीदा है कि गुरबाणी पढ़न नाल जमा दी मार ना पवे, जमा दी मार तो जमा दियां चोटां तो बच जाइए। पर गुरबाणी पढ़दियां तां इत्थे मारां पै रहियां हन। सतगुरु जी कहन लगे सिखा तेनू किन्नी क पीड़ किन्नी क तकलीफ होई। कहन लगा महाराज दुख तकलीफ तां घट होई है पर मन उत्ते बड़ा इस गल दा गहरा असर पिया। सतगुरु जी कहन लगे तेनू एक चपेट दा दुख लगन तो इन्ना दुख अपने मन विच मन के बैठा है, पर तेनू ये पता कि तू साडे गुरबाणी दे अंग तोड़ रहा सी। गुरबाणी दा जिहड़ा उचारण है ये तू अशुद्ध कर रहा सी। गुरबाणी दा एक एक अक्खर साडे शरीर दा अंग है, गुरबाणी दीआं लगां मात्रां साडे रोम हन, साडे रोमां नूं भंग कर रहा सी। सतगुरु जी ने ओह पंगतियां द्वारा पढ़न वास्ते आग्या कीती, फिर दलावां दी थां ते लाम पढ़ गया। सतगुरु कहन लगे सिखा ए लाम नहीं ए दुलावां हन। इत्थे सतगुरु जी ने श्री गुरु नानक देव जी ने इत्थे दलावां उचारण कीतियां हन। दखणी ओंकार बाणी धन गुरु नानक देव साहब जी दे मुखार बिंद तो उचारण हुई जदों सतगुरु जी ओंकारेश्वर तीर्थ दे उत्ते गए हन, जो अंदौर तो 60-70 किलोमीटर नर्मदा दे किनारे ते है। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1763 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1705 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਦ ਭੀੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧੀਰ ਮਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਪਹੁ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਦਿ ਬੀੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਮੇਟਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਹਿਸ ਹੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 23 ਸਾਵਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 315 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ 23 ਸਾਵਣ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਧਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਲਮ ਰੱਖ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਅਗੰਮੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਲਮ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1763 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1706 ਈਸਵੀ ਕੱਤਕ ਸ਼ੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ
उतने ही गुरबाणी दे पिछले पहर अर्थ भी सिंघां नूं अपने मुखार बिन तो सुनाया करदे सी। और 48 सिंघां ने जिन्हां विच भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी अमर शहीद धन, बाबा दीप सिंह जी अमर शहीद धन, बाबा गुरबख्श सिंह जी अते होर भी बेअंत सिंह महान करनी कमाई वाले भाई राम कोयर जी जिन्हां नूं अमृत छका के नाम जिन्हां दा भाई गुरबख्श सिंह रखिया, ये सारे महापुरख सतगुरु जी तो शुद्ध गुरबाणी का पाठ अते गुरबाणी दे शुद्ध अर्थ सतगुरु जी दी पवित्र रसना तो पवित्र मुखार बिन तो सुनते रहे। और समाप्ति ते सतगुरु जी ने इसे तक साहब ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 25 सिंघां नूं अखंड पाठ की सेवा विच ला के अखंड पाठ करवाया और 48 घंटे बैठ के सारा अखंड पाठ साहब आप सतगुरु जी ने सरवण किया। और पुराने इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि जदों अरदास करके हुक्मनामा लिया ता उस दिन श्री मुखवाक आए सन टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। ये श्री मुखवाक सुन के फिर गुरबाणी की कथा का भोग भी नाल पाया गया, खुले लंगर भी वरताए गए और जेडे 48 सिंह सन ऐसी महान गुरबाणी दी बख्शिश नाल उन्हां नूं विदेह मुक्ति दा दान प्राप्त होया। विदेह मुक्ति साध संगत जी देह तो परे हो जाना, ऐसी अवस्था जिहड़ी समाधि दी ऐसी अवस्था है जिहदे विच शरीर दा चित चेता ही ना रहे, शरीर दा ख्याल ही ना मन विच आए, अठे पहर सुरत वाहिगुरु दे सरूप विच जुड़ी रहे, अठे पहर इकतै लेवै मनन हुक्म अपार। ऐसी ओ विदेह मुक्ति शरीर तो भी परे ओ दात इन्हां गुरसिखां नूं प्राप्त होई। उस वक्त सतगुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी भाई मनी सिंह जी नूं अपने पास बुलाया और सतगुरां ने वचन कीते कि बाबा दीप सिंह जी अज असी इस तख्त साहब दे उत्ते दमदमी टकसाल जथेबंदी की स्थापना करते हाँ और तुहानू पहला मुखी थापते हाँ और नाल ही तख्त श्री दमदमा साहब जी दे पहले जथेदार थापिया कि जिहड़ा गुरबाणी का शुद्ध उचारण ते अर्थ साडे कोलों पढ़े है ना ये गुरसिखां नूं अगे पढ़ाउणे है, ये अर्थ भी संगतां नूं सरवण करवाउणे है, गुरबाणी दी शुद्ध संथ्या करवाउणी है, ये सेवा तुहाडे जिम्मे लाई जांदी है। भाई मनी सिंह जी नूं आग्या कीती कि तुसीं श्री अमृतसर साहब जाके गुरबाणी दे शुद्ध उचारण दी ते अर्थां दी टकसाल दी सेवा करनी है और श्री हरिमंदर साहब जी दे मुख हेड ग्रंथी दीआं सेवावां भी आप निभाउणियां हन। इन्हां दोनां गुरसिख महापुरखां ने बेनती कीती सच्चे पातशाह जिहड़ा आनंद समाधि दा देह तो परे होण दीआं बख्शिशां रहमतां सानूं प्राप्त होईआं हन विदेह मुक्ति दा, ऐसा जो आनंद दा समुंदर सानूं बख्शिश कीता है जदों महाराज परोपकार करांगे इस सेवा च लगांगे तां इस आनंद विच फर्क पवेगा। तां उदों फिर सतगुरु जी ने वचन कीते सन कि भाई दीप सिंह जी जे धर्म की रक्षा करदिआं होइआं तुहाडा सीस नालों धड़ नालों सीस जुदा भी हो गया तुहाडे आनंद विच फर्क नहीं पवेगा। भाई मनी सिंह जी दे धर्म की रक्षा खातर तुहाडा बंद भी कटिया गया तुहाडे आनंद विच फर्क नहीं पवेगा, तुहानूं जीवन मुक्ति की दात बख्शिश कीती। इउं सच्चे पातशाह जी ने महान रहमतां दे नाल इन्हां गुरसिखां नूं नवाजिया और दमदमी टकसाल की स्थापना तक श्री दमदमा साहिब जी की धरती उत्ते अज दे दिन कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने आप कीती है। कई विद्वान कई लेखक इस गल का जिक्र कर देंदे है
कि दमदमी टकसाल का कोई बहुता इतिहास सुन पढ़न पुराने ग्रंथा में बहुत घट मिलता मिलता ही नहीं है। पर साध संगत जी जदों असी ध्यान नाल इतिहास की खोज नहीं ना करते फिर इन्हां गल्लां दीआं शंकावां ते तौखले साढ़े मन विच सुभाविक पैदा होंदे है और कई जाण बुझ के ऐसियां शंकावां पैदा करदे है। जिन्ने गुर इतिहास हन सारिआं विच ही दमदमी टकसाल दे इतिहास दा जिक्र है। जदों नौवें पातशाह जी इत्थे आए सन उदों सतगुरु जी दी इक मालवा देश रटन की साखी एक हाथ लिखत पोथी सतगुरु जी दी गुरसिख नाल नाल लिखदे सन केड़े नगर विच गए उत्थे की बचन कीते संगतां नूं की उपदेश दिता उह पोथी नाल नाल लिखी गई। उस दी संपादना डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने कीती है। उहदे विच नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी इसे तख्त साहब जी दे स्थान ते खब्बे पासे मंजी साहब है तख्त साहब जी दे इत्थे बैठ के सतगुरु जी ने बचन कीते सन कि इस अस्थान उत्ते साडे बहुत वड्डे वड्डे गुणी ज्ञानी लेखक और विद्वान पैदा होणगे। ये बचन सतगुरु जी उदों करके गए उहदे विच बहुत विस्थार नाल एक अंग पूरा लिखिया होया है और मालवा देश रटन की पोथी नौवें पातशाह जी का जो सारा मालवे देश का वृतांत उहदे विच संखेप रूप दे विच अंकित है उहदे विच भी ये जिक्र आया है। और भाई सरूप दास भल्ला जिन्हां ने महिमा प्रकाश लिखिया श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ तो पहला दा इतिहास है उस विच भी इत्थों बारे कि इत्थे बहुत वड्डे वड्डे ज्ञानी विद्वान और लेखक इस तख्त उत्ते गुरु की कांशी दे विच पैदा होणगे। और गुरबिलास पातशाही छेवीं विच भी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ऐसे वरदान टकसाल चलण दे बचन और इत्थे विद्वान पैदा होण दे बचन गुरबिलास पातशाही छेवीं विच छेवें पातशाह जी द्वारा अंकित किते होए है। गुरबिलास पातशाही दसवीं दोनों ही जिहड़े है उन्हां विच भी इह जिक्र आउंदा है। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच भी भाई संतोख सिंह जी ने इस जथेबंदी दे वृतांत दा संखेप रूप दे विच जिक्र कीता है। प्राचीन पंथ प्रकाश दे करता भाई रतन सिंह जी भंगू ने भी जिक्र कीता है और इत्थे बस नहीं ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने तवारी गुरु खालसा विच भी और इसी तरह पंथ प्रकाश दे विच भी उन्होंने सारा जिक्र किया। समा नहीं है मैं संखेप रूप विच ही बेनती कर रहा और भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने भी महान कोश दे विच यह सारा संखेप रूप दे विच जिक्र किया कि अपनी आत्म सत्या नाल सतगुरु जी ने कंठों सारी बाणी उचारण करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप इस स्थान ते लिखवाया और इत्थे ही दमदमी टकसाल नूं ओ संप्रदाय ज्ञानियां करके लिखदे है। असले दमदमी टकसाल संस्था है जथेबंदी है संप्रदावां कई वारी गुरसिखां दी कमाई नाल चल पैंदियां हन और कई वारी समाप्त भी हो जांदियां हन। जिहड़ियां जथेबंदियां और संस्थावां हुंदियां हन ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ और इस तरह पंजाबी विश्वकोश दे विच भी होर थावां ते भी लगभग प्राचीन सारे इतिहासां विच
दमदमी टकसाल की स्थापना का किसी ना किसी रूप दे विच ये सारा जिक्र किया होया होया। इस करके मैं तां अज संखेप बेनती कीती है, कई वेरी गलत शंका गलत भुलेखे पैदा किए जाते हैं, अखे दमदमी टकसाल का तो जी इतिहास ही नहीं मिलता, ये बहुत वड्डी गलत एक धारणा बनाई हुई है। अपने सामने कुछ दिनों तो श्री अमृतसर साहब जी दे श्री दरबार साहब जी दे नाल ही गुरद्वारा श्री थड़ा साहब है नौवें पातशाह जी का स्थान और उत्थे नाल ही गुरद्वारा यादगार शहीदां अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले और जून 84 दे शहीदां दा शहीदी स्थान है, उहदे नाल ही बुंगा ग्यानियां इक इमारत दे प्रातन जिहड़े थल्लों सरद खाने मिले है और साध संगत जी नूं बुरज ग्यानियां भी कहा जांदा है। किसे समय बहुत वड्डी इमारत सी और दमदमी टकसाल दे छेवें मुखी महापुरख सिंह साहिब संत ग्यानी संत सिंह जी ने यह सारी इमारत तीमार कराई महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय और उहदे विच सिंघां नूं गुरबाणी दी शुद्ध संथिया अते अर्थ पढ़ाउंदे रहे। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह जी ने उन्हां कोलों उसे स्थान ते बुंगा ग्यानियां विच रह के सारी विद्या पढ़ी सी और उस स्थान ते तीन मुखी दमदमी टकसाल दे रहे है, संत ग्यानी सूरत सिंह जी, संत ग्यानी गुरदास सिंह जी और सिंह साहब संत ग्यानी संत सिंह जी। इस करके साध संगत जी वह इतिहासक इमारत दे अवशेष समुचे पंथ ने इस सारी इतिहासक विरासती इमारत का जो सारी दुनिया के विच जिक्र होया वह सारा कुछ देखिया, तुसी सुनिया भी है पढ़िया भी है अखबारां राही मीडिया राही, वह स्थान भी दमदमी टकसाल के मुखिया का ही बुंगा है, उन्हूं बुंगा ग्यानियां करके कहा जाता है क्योंकि दमदमी टकसाल के मुखिया ने गुरबाणी की विद्या गुरसिखां नूं पढ़ाई है। इस करके इन्हां महापुरखां दे नाल ग्यानी शब्द का लकब चलदा ही आया और तुसी इतिहास वल जदों निगाह मार के वेखदे हां आपां तां धन बाबा दीप सिंह जी धन बाबा गुरबख्श सिंह जी ये दोनों महापुरख धन बाबा दीप सिंह जी पहले मुखी अमर शहीद धन बाबा गुरबख्श सिंह जी दूसरे मुखी जिन्हां दा शहीद बुंगा श्री अकाल तख्त साहब दे नाल है, इन्हां दे समेत अठ मुखी श्री अमृतसर साहब रह के पंथ की सेवा करते रहे। धन बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीस दिता श्री हरिमंदर साहब जी की रक्षा वास्ते, दूजे मुखी बाबा गुरबख्श सिंह जी ने श्री अकाल तख्त साहब श्री हरिमंदर साहब की रक्षा लिए अपना शीस दिता बिना शीस तो लड़े, तीजे मुखी संत ग्यानी सूरत सिंह जी जिन्हां सुभाग प्राप्त होया धन गुरु गोबिंद सिंह जी के हथों अमृत छकण का, जिन्हां दे पिता भाई रामचंद नूं कलगीधर पातशाह जी ने किसी ग्रंथ का उलथा सुन के वरदान दिता कि तुहाडे परिवार विच ग्यानी होणगे और उन्हां नूं अमृत छका के नाम ग्यानी राम सिंह रखिया कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, और संत ग्यानी सूरत सिंह जी नूं माण प्राप्त इतिहास विच कि सब तो पहला गुरबाणी दे अर्थां दा लिखती रूप दे विच जो प्रचलन कीता है ना, ये पहला मान संत ज्ञानी सूरत सिंह जी नूं प्राप्त आ, उस तो पहला लिखती रूप विच अर्थ नहीं सिख पंथ दे विच प्रचलित होए सी, मौखिक रूप दे विच रसना दे नाल ही सिंह अगे तो अगे सुन के संगतां विच जुबानी अर्थां दा प्रचार करदे सन, उन्होंने लिखती रूप अर्थां दा प्रचलन किया प्रचलित किते गुरबाणी दे अर्थां दे गुरबाणी दे शब्दां दे गुरबाणी दी पावन पवित्र जेडे अर्थ सन ओह पोथियां विच हत्थी लिख लिख के सिंघां नूं उन्होंने अगे तो अगे देना, इस करके गुरबाणी दे
अर्थ लिखती रूप दे विच उन्होंने प्रचलित किए सिख पंथ दे विच पहली वेर। और उस तो बाद संत ज्ञानी गुरदास सिंह जी जो इन्होंने इन्होंने ही अगे सुपुत्र सन इन्होंने भ्राता सन चौथे मुखी हो और पांचवें मुखी सिंह साहब ज्ञानी संत सिंह जी और उस तो बाद संत ज्ञानी दया सिंह जी संत ज्ञानी भगवान सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह जी बेदी अठ मुखी श्री अमृतसर साहब रह के सिख पंथ नूं गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी दा शुद्ध उचारण ते नाल नाल इन्हां महापुरखां ने साध संगत जी सठखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे प्रबंध दी भी सेवा नाल निभाई गुर अस्थानां दीआं भी इमारतां तैयार कराईआं। संत ज्ञानी सूरत सिंह जी नूं जदों झंग जिले दे विच चनेओट कस्बा है उत्थे बुरज ज्ञानिया नाम अज भी प्रसिद्ध है उस इमारत का जिथे संत ज्ञानी सूरत सिंह जी रहा करते सन पाकिस्तान विच रह चुका है। जदों सिखी का प्रचार करते सन ऐसी विद्वता ते रसीली कथा करते गुरबाणी की जिन्हों सुन के हिंदू ते मुसलमान सिख बन गए और झंग का जिहड़ा हाकम सी इस गल नूं बर्दाश्त ना करदा और उन्हें किसी ना किसी तरह संत ज्ञानी सूरत सिंह जी नूं शहीद करन दी ब्योंतबंदी बनाई। संगतां ने किसी ना किसी तरह संत ज्ञानी सूरत सिंह जी नूं मजबूर करके संगतां ने हुक्म किया कि तुसी ये इलाका छड़ दिओ हाकम दी नीयत बदनीत है बदनीति दे तहत तुहाडा नुकसान कर सकदा तुहाडी बहुत वड्डी संगतां नूं लोड़ है इस करके तुसी इत्थों चले जाओ। संत ज्ञानी सूरत सिंह जी फिर श्री अमृतसर साहब आए जदों इत्थे आके संगतां विच कथा कीती तां खालसे ने आप जी नूं श्री हरिमंदर साहब विखे कथा करन दी आग्या कीती और आप जी ने जदों कथा करनी बहुत चढ़ावा चढ़ना अगे तो सिंघां ने माया कट्ठी करके संत ज्ञानी सूरत सिंह जी दे अगे लिया के रख दिती। तो संत ज्ञानी सूरत सिंह जी ने बाकमाल बचन किया कहिंदे सिंघो मैं गुरु की गोलक दी जो माया पूजा ते धान ओह नहीं मैं वरतना मैं निष्काम सेवा करनी है ये माया तुसीं हरिमंदर साहब की सेवा विच लाओ। फिर खालसे ने उन्होंने पंजा पिंडा की जागीर दिती पंजा पिंडा की जमीन दिती कि तुसीं इस तो अपना निर्वाह करिया करो पर सेवा ते प्रबंध हरिमंदर साहब जी का तुसीं करना। एडी वड्डी त्याग बिरती एडी वड्डी निष्काम सेवा ये महापुरख करदे रहे। अठ मुखिया ने श्री अमृतसर साहब निवास रख के सेवा निभाई फिर महापुरख संत ज्ञानी बिशन सिंह जी मुराले जिला सरगोधा दे विच पाकिस्तान उन्होंने बहुत सिंघां नूं गुरमति विद्या पढ़ाई उन्होंने तो बाद दमदमी टकसाल के ग्यारहवें मुखी पंथ रतन संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले जिन्होंने पैदल तुर तुर के सिखी का प्रचार किया अपने समय विच 5 लाख प्राणियों नूं अमृत छकाया 1000 शुद्ध अखंड पाठी बनाए 200 प्रचारक और 100 कथावाचक जिहदे विच जथेदार गुरदयाल सिंह जी बोपा राय वर्गे वड्डे उच्च कोटि दे विद्वान और PhD लंडन प्रोफेसर डॉक्टर शेर सिंह जी वर्गे विद्वान उन्हां दी संगत विच पैदा हो और उन्हां तो बाद दमदमी टकसाल दे 12वें मुखी महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालिया ने 39 साल पंथ की बहुत वड्डी सेवा की। 28 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां कथा श्री दसम ग्रंथ साहब जी की कथा गुर इतिहास दियां 30 कथा और इस तो अलावा होर ग्रंथां दा अध्ययन सिंघां नूं जथे विच नाल रख के करवाया लखां प्राणियों नूं प्रेरणा दे के अमृत छका के गुरमत नाल गुरबाणी नाल जोड़िया। उन्हां तो बाद दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जिहड़े 8 साल बतौर मुखी रह के सेवा निभाउंदे रहे
पर जे कोई वड्डी तो वड्डी संस्था 80 सालां च उन्ना प्रचार नहीं कर सकी जिन्ना उन्होंने सिक्खी दा 8 सालां च प्रचार किया। सिख पंथ दी बहुत वड्डी सेवा एमरजेंसी दे काल विच उन्होंने निभाई और रात दिन उन्होंने एक करके सिक्खी दे प्रचार दियां झड़ियां पूरे हिंदुस्तान विच लाईयां। उन्हां तो बाद दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी अमर शहीद महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले मुखी बने और लगभग 6 साल आप जी ने मुखी रह के सेवा निभाई। साध संगत जी महापुरख बहुत करनी वाले होए हैं, बड़िया कमाइया वाले सिख पंथ विच गुरसिख गुरमुख महान आत्मावां पैदा होईयां, पर संत बाबा जरनैल सिंह जी की एड्डी वड्डी तपस्या एड्डी वड्डी कालना एड्डी वड्डी कमाई कि उन्होंने दी कमाई की बदौलत दमदमी टकसाल नूं विश्व दे विच प्रसिद्धि प्राप्त हुई विश्व दे विच और सुती कौम नूं उन्होंने जगाया और जिन्ना सत्कार सिख पंथ ने दुनिया भर दे विच संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दा कीता इन्ना सन्मान किसे महापुरख नूं नहीं अज तक प्राप्त होया। खिमा करनी जो सन्मान उन्हां नूं प्राप्त है और अपने आप सन्मान संगतां करदियां उन्हां दा बहुत वड्डी उन्हां दी लासानी कुर्बानी है और उन्हां दा तप उन्हां दी कमाई उन्हां दी कालना महान है। और उस तो बाद दमदमी टकसाल दे 15वें मुखी महापुरख निम्रता दी मूर्त सेवा सिमरन दे पुंज महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी ने लगभग 20-22 साल इस जथेबंदी दी सेवा निभाई है। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰਖਾਉਣੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਲੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 315 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਐਸੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 23 ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਭਾਵ ਸੱਤਵਾਂ ਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੌ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀਵਾਨ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਔਰ ਕਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਿਵਾਜ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਸੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਿਵਾਜ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਵਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਛੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਛੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਛੇਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਲਾਹੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਉਥਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਖੁੱਟੀ ਜਾਹੀ ਨਾਰਦ ਕਿਹਾ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ
अंधे गुंगे अंधा अंधार पाथर ले पूजे मुग्ध गवार। सो उस वक्त सतगुरु जी ने शब्द उच्चारण किया है, माज राग दी वार दा अठवां शब्द है। सतगुरु जी दर्शा रहे कि मुसलमान किहो जिहा होना चाहीदा है, मुसलमान का कर्म की होना चाहिए है। वो परम पवित्र सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। श्लोक महला पहला, माज राग दी वार दा अठवां श्लोक। पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने मुखार बिंद तो उच्चारण करते हैं। मुसलमान कहावन मुश्किल, जेड़ा भाई मुसलमान है एक होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, औखा है। कहा लेना सौखा पर बनना बड़ा औखा, बड़ा कठिन है। जा हुए ता मुसलमान कहावे, मुसलमान ओ हुंदा है जा ता करके के जेड़ा अपने मान नू मुस लवे, मुस नाम लुट लवे, भाव अपने मान नू हंकार नू जेड़ा मेट लेंदा है ना, ओही असल मुसलमान हुंदा है, ओही मुसलमान कहा सकदा है जेड़ा अपने औगुणा नू मेट लवे, अपने मान हंकार नू नाश कर लवे। वाहिगुरु दी इबादत करदा, बंदगी करदा, भगती करदा होया इत्थों तक चलिया जाए कि उहदे मन दा मान जेड़ा है वह सारा मिट जाए, अपने औगुणा नू मुस नाम लुट लवे, मेट लवे, खत्म कर लवे, फिर वह मुसलमान कहाउण दा हकदार है। अव्वल औल दीन कर मिठा, अव्वल पहला औल जेड़ा पैगंबर है ना, उपदेशक है, जो उन्हें दीन उपदेश दिता है उसनू जेड़ा मिठा करके मनदा, भाव सत करके मनदा है। मशकल माना माल मुसावे, अपने मान नू मशकल कर लवे। मशकल नाम हुंदा मांजण दा, मशकल नाम हुंदा निकल करन दा, अपने मान नू मांज के अंदरों कढ दवे। जिवें जदों निकल कर दी है ना तो वह ऐन सफेद बर्तन चमक जाता, यूं हिरदा चमक जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। इस करके कहिंदे वी जिहने इस तरह अपने मां मन दे मान नूं अंदरों कढ दित्ता है, बुद्धि दे विच्चों जिहड़ी बुद्धि है ना, इस बुद्धि दे विच्चों विवेक दी कुची लै कुची लै के जां मन दे विच्चों, वाहिगुरु मन दे विच्चों विवेक दी कुची दे नाल मन दी मैल नूं कढ दवे, दूर कर दवे। ओ महाराज कहिंदे वी असल मुसलमान कहा सकदा ओही मुसलमान है, और माल मसावे जिन्ना माल धन पदार्थ अपने कोल पिया उनू मसावे लोकां दे विच वंड दवे, लोकां दे विच सेवा विच ला दवे, परोपकार दी खातर खर्च दवे, गरीबां दुखियां दे काम उहदी दौलत आ सके उं गरीबां दे विच लोकां दे विच वंड दवे, दुखियां नू वंड दवे। जिहड़ा माल है ना उस नूं मसावे नाम वंड दिंदा है। जिहड़ा सौरा वर्दी एक बड़े वड्डे फकीर होए जिन्हां कोले बाबा फरीद साहब जी विद्या पढ़दे रहे कई साल, उन्हां कोल इस्लाम दे धर्म दे ग्रंथां दी तालीम कीती प्राप्त। उस समय विच उन्हां नूं साध संगत जी 2 लाख रुपया रोज चढ़दा सी, इन्नी संगत उन्हां दे दर्शन करन आउंदे लोक, इन्नी दुनिया आउंदी के 2 लाख रुपया उन्होंने रोजाना का भेटा चढ़ता सी। और बाबा फरीद जी दसदे है कि सूरज छिपण तो पहला पहला वो 2 लाख रुपया रोजाना का रोज का रोज लोगों के फकीरों गरीबों वंड दिया करते सन।
अगले दिन लई एक दमड़ी भी नहीं जोड़ के रख्या करदे सन। पल्ले कदे ना बनदे पंछी ते दरवेश, जिन्हां तकावा रब दा उन्हां रिजक हमेश। उन्हां ने यह पंक्तियां पढ़नियां कि रब दे उत्ते आसरा रखो कि आपे कल नूं होर रोजी रिजक भेजेगा। इन्ने परोपकारी सन। इस करके जिहड़ा माल धन दौलत है वह लोगों के वंड दे, जिहड़ा इन्हां गुणां नूं धारण करदा है उही असल मुसलमान है। ओए मुसलम दीन मुहाना, पक्का मुसलमान। मुसलम दा अर्थ है भी वह पक्का मुसलमान है जिहड़ा दीन धर्म का मुहान है, मलाह है ना, जिहड़ा जिमें मलाह बेड़ी नू लेके दूसरे बन्ने पार कर दिंदा लोकां नू, इस तरह जिहड़ा दीन धर्म दा मुहान है, मलाह है, भाव मुखी है, जिहड़ा जो बचन धर्म दी सिख्या दा कहिंदा है उस नू मन के दीन दे असूलां दा धारनी बन गया, परपक रूप दे विच अपने आगू धर्म दे पैगंबर दी सिख्या नू जिन्हें कमा लिया पूर्ण रूप दे विच। कहिंदे पंज नवाजां रखो, रोजे रखो, पंज नवाजां, पंज नमाजी होवे, रोजे रखे, जकात देवे, दान देवे, इन्हां सारे असूलां दा जिहड़ा धारनी उह पक्का मुसलमान मन्निया जांदा। जिहड़ा हिंदू जनेऊ पाउंदा, तिलक लाउंदा, पूजा कर्म कांड सारा निभाउंदा पक्का हिंदू मन्निया जांदा। जिहड़ा गुरु दा सिख पक्का, वह खंडे बाटे दा अमृत छक के पंजां ककारां दी रहत रखदा, नितनेम पूरा करदा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना गुरु मानदा, वह पक्का गुरु दा सिख है। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी भी बचन कहा करदे भी जिहड़ा पक्का मुसलमान है मैं उहदा दिलों सत्कार करदा, भाव पूरा धर्मी है जिहड़ा अपने धर्म दे अकीदे दी पालना करदा। जिहड़ा पक्का हिंदू मैं उहदा भी सत्कार करना दिलों अते जान तों, जिहड़ा अपने धर्म विच परपक है। ते जिहड़ा सिख पक्का मैं उहदे भी चरणां दी धूड़ मस्तक नूं लाउणा जिहड़ा गुरसिखी धर्म दे विच पूर्ण रूप दे विच पूरा परपक है। इस करके महाराज कहिंदे ओह मुसलम, ओह पक्का मुसलमान है जिहड़ा दीन धर्म दे आगू दे शुभ सिख्यावां दा धारनी है, जिन्हें इन्हां नूं कमाया है। मरण जीवन का भरम चुकावै, जमण अते मरण दा जिहड़ा भरम है उहदा फिर चुकिया जांदा, मिट जांदा है। इस तरह मरण जीवन दा जिहड़ा भरम है जिन्हें अंदरों हिरदे विच्चों चक दित्ता है, जिन्हें जिन्हें भरम निवृत करता उहदा जमण मरण का भी डर लै गया, निवृत हो गया, वो जमण मरण के चक्कर विच नहीं पैंदा है। रब की रजाए मन्ने सिर उपर, रब वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख की आग्या नू सिर मत्थे जिहड़ा मन का प्रवान करता है, आग्या विच उहदे भाणे विच रहिंदा है। करता मन्ने आप गवावै, करता पुरख वाहिगुरु नू जिहड़ा मन्नदा है उस विच पूर्ण भरोसा विश्वास रखता है और अपना आपा भाव हंकार नूं गवा दिंदा है। जिहड़ा तौ नानक सरब जिया मेहरमत, मुसलमान पत्थर वर्गा कठोर नहीं, मुसलमान मोम दिल होवै, अंतर कीमल दिल ते धोवै। मुसलमान केहो जा होना चाहिदा जेड़ी सिख्या सतगुरु जी ने पहला दित्ती है, और सारे जियां दे उत्ते धन गुरु नानक देव जी कहिंदे है सारे जियां दे उत्ते अमित मेहर करन वाला। ये नहीं कि सारे जियां नूं लोकां नूं काफर कह के मारी जांदा, वो मुसलमान नहीं है। सारिआं दे प्रति जिहड़ा मन विच अमित मेहर मिनती तो रहत दयालता रखता है सारे जीवां दे प्रति जिन्ने भी जीव हन, होए ता मुसलमान कहावै। जिहड़ा ये सारे गुणा वाला होवे फिर वह पक्का मुसलमान कहाउण दा हकदार रखदा, वह असली महाराज कहिंदे मुसलमान है भाई।
महला चौथा। चौथे पातशाह जी नूं बेनती कीती गुरसिखां ने, महाराज धन गुरु नानक साहब जी ने मुसलमान दी व्याख्या तां कीती है माज राग दी वार दे श्लोकां विच, ते हिंदू किहो जिहे होने चाहीदे है, तां इह महला धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी दे रचनहारे धन श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी गुरसिखां दे बेनती करन तों इह महला उचारण कर रहे हन शब्द। पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, जिन्हें काम नू क्रोध नू झूठ नू निंदा नू त्याग दिता अपने मन विचों, तज माया अहंकार चुकावै, जिन्हें माया दा भी जेड़ा लोभ है उन्हें त्याग दिता, माया भी त्याग दिती है, ते हंकार नू भी चुक के पासे रख दिता अपने अंदरों, तज काम कामनी मोह तजै, जिन्हें काम नू भी और कामनी स्त्री दे मोह नू भी मन दे विचों तजै त्याग दिता है, वकारां तो रहित हो गया है, ता अंजन माहे निरंजन पावा, अंजन माया दे विच रहिंदा होया ही निरंजन जो शुद्ध स्वरूप वाहिगुरु है उस नू प्राप्त कर लेंदा है, संसार विच रह के भी ताज मान अभिमान प्रीत सुत दारा, इन्हें अपने औगणा दा मान त्याग दिता, अते अभिमान अपने सुंदर रूप दा छड दिता है, ताज प्यास आस राम लिव लावे, और प्रीत सुत दारा पुत्र दी जिहड़ी नौ है उहदे नाल भी प्रीति करनी भाव भैड़ी दृष्टि नाल जिहड़ा नहीं देखदा है, भाव मान तो अभिमान तो ते काम तो जिहड़ा रहित हो गया है, और जिहड़ा तज प्यास आस राम लिव लावे, जिन्हें पदार्थां दी प्यास छड दित्ती है और धन जोड़न दी आस नूं त्याग दित्ता है, रमे होए परमेश्वर दे नाल अपनी सुरत नूं अपनी लिव नूं ला के रखदा है, नानक साचा मन वसै, धन गुरु नानक साहब कहिंदे ऐसा हिंदू ऐसा ब्राह्मण जे कोई है ता जिस दे मन विच सच्चा वाहिगुरु परमेश्वर ऐसे दे अंदर हिरदे विच जा के वसदा है, जिन्हें इन्हां औगणां नूं छड दित्ता त्याग दित्ता है, भाव त्याग दा भी त्याग, एक तां पदार्थ ना मिले तो उत्तो तो कही देंदा मैं त्यागी हाँ मैं त्यागी है, पर अंदर वासना बनी हुई है, एक नूं सब कुछ प्राप्त भी है, प्राप्त होने तो बाद फिर जे परोपकार करदा ना ते उहदा भी मन विच मान नहीं करदा, त्याग दा भी त्याग कर दिता, जिन्हें एक ता दान कर रहा एक दान दा जिहड़ा अपमान है उहदा भी त्याग कर दिता, त्याग दा भी त्याग कर दिता, महाराज कहिंदे ऐसा जिहड़ा शुभ गुणा वाला है सच्चा वाहिगुरु दे मन विच साख्यात रूप विच हो के वसदा है, साच शब्द हर नाम समावै, सच्चे गुरु दे शब्द दे विच नाम दे विच ओ समा गया लीन हो गया एकमिक हो गया है, पौड़ी धन श्री गुरु नानक देव साहब जी पौड़ी उचारण कर रहे हन अठवीं, राजे रैयत सिकदार, महाराज कहिंदे भाई राजे बादशाह रैयत परजा जिहड़ी है सिकदार थानेदार नूं कहिंदे है, तै त्रोभ बठाउण वाला जिहड़ा है कोई ना रहसियो, इन्हां विचों कोई भी नहीं दुनिया विच रहेगा, जिहड़े माण करदे अहंकार करदे असीं राजे हां असी परजा ते हुक्म चलाउने आ लोकां नूं डंडे नाल अपने अधीन रखदे आ, महाराज कहिंदे कोई नहीं रहेगा, इस तरह राजा की है मोह रैयत उहदी केड़ी आ काम क्रोध आदक, सिकदार धर्म राजा इन्हां विच्चों भी कोई नहीं रहेगा,
हट पटन बाजार हट हटिया पटन जेड़े साध संग जी शहर है अते बाजार आदक हुक्मी टहसियो उदे हुक्म विच सारे टह जाने हन हट जेड़िया इंद्रिया हन पटन जेड़े शरीर है बाजार जेड़े वकार आदक है ये भी हुक्म दे विच टह जाने पक्के बंक द्वार जेड़ा कहिंदा ना भी मेरे पक्के महल है बंक बड़े सुंदर सुंदर मेरे महलां दे दरवाजे वड्डे वड्डे बने होए हन मूर्ख जाण अपने मूर्ख जिन्हां नूं अपने जानता अपनी मेर रखता भी मेरे है मैं इन्हां दा मालक हां दर्ब परे भंडार मेरे घर दे विच धन दे भंडारे दर्ब धन दे भंडारे भरे होए होए हन रीते एक खणे कहिंदे जदों वाहिगुरु दा हुक्म आया ना एक खिन विच ही सारे खाली हो जाणे आ भरिया नहीं रह जाना इत्थे छड़ के जाना पै जांदा कई वारी वेखदे वेखदे भरे भंडारे सारे खाली हो जांदे नदरों पट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराए दा तर मंगन भिखना पाए दा ऐसी भी वाहिगुरु दी कला और खेड वरत जांदी है। दूसरा अंतरी भाव है कहिंदे शुभ गुणा दे नाल शुभ गुणा रूप धन दे नाल जिहड़े तेरे भंडारे भरे होए है ना कहिंदे जे तू थोड़ा जिहा भी हंकार कर लिया ना जदों हंकार दे सहत हो गया एक खिन विचों सारे शुभ गुणा रूप भांडे भी तेरे खाली हो जाने वह भी तेरे पास नहीं रहने जे तू थोड़ा जिहा भी अपनी सेवा दा अपने सिमरन दा अपने दान पुन दा अपने चंगा गुणा दा जे हंकार कर लिया हर जुग जुग पगतो पाया पैज रखदा है राम राजे हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद त्राया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया परमेश्वर नूं मनुख दा सब तो वड्डा जिहड़ा ऐब है जिहदी वाहिगुरु परमेश्वर कदे भी आग्या नहीं दिंदा कहिंदे वाहिगुरु बंदे दे सारे गुनाह पाप बख्श दिंदा पर एक गुनाह नहीं बंदे दा वाहिगुरु बख्शदा ओ केड़ा हर जीओ अहंकार ना भाव ही वेद कूक सुनाव है हंकार नहीं परमेश्वर नूं पाउंदा कदे वास्ते और भय भीत उस वाहिगुरु दे दर ते रहना ही चाहीदा है इस करके सारे खाली हो जांदे आ ताजी रथ तुखार ताजी तुरकान देश दे घोड़े इस तरह रथ रथां दे विच लोक जाया करदे तुखार ऊठ आदक मालवे च मारू थल विच वगदे आ राजस्थान च अजकल भी चलदे हन हाथी पाखरे हाथी अते पाखरे काठियां वाले घोड़े और जिन्हां ते वड्डे वड्डे सूरमे सवार हुंदे है ये जिन्ने भी सारे हन ये भी एक खिन विच ही नाश हो जांदे है तुर जांदे बाग मिलख घर बार बाग वड्डे वड्डे बगीचे मिलख जगीरां ते वड्डे वड्डे घर अते उन्हां दे दरवाजे ड्यूटियां आदक कहिंदे हे जीव तू इन्हां नूं अपने करके मनदा सी किथे गए अज अज किसे होर दे बन गए तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तिरिया भज जै है पौन भंडार धरा गढ़ जेत छाड़त प्राण बिगान कह साजन मित्र सुमित्र सखा ए बेग नकार हो आयस दै है चेत रे चेत अचेत महापस अंत की बार अकेलो ही जय है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सवैया विच शब्द उचारदे आ इस करके किथे से आण पै किथे से अपने किथे रह गए तेरे जिहड़े अपने सी इसे तरह वाहिगुरु की दरगाह च किथे से अपने पाप उत्थे वाहिगुरु की दरगाह विच ये नहीं सियाणिया जांदा कि अमीर है इहनूं छड्ड दिओ ये गरीब है इहनूं बन्न लिओ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਤੰਬੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ
सराए चे लालती लालती नाम अतलसी दा असल अतलसी साध संगत जी चमकीला रेशम दा बस्तर रोम दी रेशम दियां बनिया हुईयां कनातां ओ बड़ा कीमती बस्तर मन्या जांदा सी सो इस करके सराय चे दा अर्थ है कनातां पहला तंबू तारना फिर आले दुआले कनात लाउणी वड़े वड़े शाहूकार लोग राजे लोग वड़े तंबू ला के फिर आले दुआले कनातां तानिया कर दे महाराज कहंदे ओ लालती अतलसी रेशम दियां बनियां हुईयां जिहड़ियां कनातां लाईयां हुईयां सन ओ किथे गए कोई नहीं रह गया नानक सच दातार धन गुरु नानक साहिब जी कहंदे सारियां नूं दातां देण वाला जो दातार रोडी रिड़क दा मालक वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख है दाता है सनाखत कुदरती ओदी शनाख्त ओदी पछाण कुदरती ओदी शक्ति द्वारा हुंदी है जिहड़े कहिंदे वी रब नहीं देखिया रब ओदी शक्ति विचों दिसदा जदों अपनी शक्ति दा जलवा दुनिया नूं विखाउंदा ना फिर सारे अश्चर्य रह जांदे जलवे ही है वाहिगुरु परमेश्वर दे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਨਾਖਤ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਲਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐ ਖੁਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਾਈ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮੂਰਛਤ ਰਿਹਾ ਮੂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਵਰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾਸਤਕ ਨਾ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਈ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਉਹ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਲਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਸਗਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਦਾ ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
मैं सारिया संगतां दा जे मैं नाम लवांगा बहुत लंबी लिस्ट है समुचियां संगतां दा मैं रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सो हुण मंजी साहब अस्थान ते अखंड पाठ साहब दे भोग पैणगे फिर इत्थे ही दीवान सजेगा ते आपां इत्थे ही आके फिर हाजरी भरनी है। सो दास दी इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका खिमा करनी आ। हर साल दमदमी टकसाल दा स्थापना दिहाड़ा 7 अगस्त नूं हर साल 7 अगस्त नूं इस अस्थान ते तख्त श्री दमदमा साहिब विखे दमदमी टकसाल दा स्थापना दिहाड़ा मनाया जांदा है। आप सारियां संगतां भाई हुम हुमा के पहुंचिया करो। दास नूं विसर गया मंजी साहब नौवें पातशाह जी दा स्थान है नाल ही दमदमा साहब जिहड़ा गुरद्वारा साहब है महाराज साहब जी दा स्थान उत्थे ही श्री अखंड पाठ साहब जी दे भोगां दी संपूर्णता होएगी। सो मैं तख्त साहब जी दे हैड ग्रंथी सत्कारयोग ज्ञानी गुरजंट सिंह जी दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी मैनेजर साहब का सब का ही बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिता। सारी संगत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सब तो वड्डा सहयोग तुहाडा गुरु स्वरूप संगतां दा है इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी अरदास करनी कलगी धर पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में यह सच्चे पातशाह ये दमदमी टकसाल की स्थापना तुसी आप की है। इस जथेबंदी के उत्ते अपना सदा ही बख्शिशा भरिया हथ रख के अपने दर घर की सेवा लेंदे रहो। ये सतगुरु जी के चरणों में आप अरदास करनी है भुला चुका गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी तंबू पलंग सराए चे लाल दी नानक सच दा तार से लाखत कुदरती वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पा।